सुगज इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद इंडिया में फिर से टू न्यू शॉर्ट वीडियो ऐप तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। फर्स्ट स्नैक वीडियो जिसके डाउनलोडर 50 मिलियन हो चुके हैं। सेकंड एमएक्स टकाटक जिसके डाउनलोडर 10 मिलियन हो चुके हैं। अब इन दोनों ऐप में से कौन सा ऐप सही है, किस ऐप पर आपको काम करना चाहिए, कौन सा ऐप चाइनीज है, कौन सा ऐप इंडियन है, इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, वीडियो को स्किप मत करना। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे स्नैक वीडियो ऐप के बारे में। ये ऐप कहाँ का है? स्नैक वीडियो ऐप चाइना की टेंसेंट कंपनी का ऐप है। इस ऐप पर आपको काम नहीं करना चाहिए एंड वीडियो भी अपलोड ना करने चाहिए, इससे आपका डाटा लीक हो सकता है। गाइस, आप सभी को पता है इंडिया में जितने भी चाइनीज ऐप थे उनको बैन कर दिया गया एंड कुछ चाइनीज ऐप अभी भी इंडिया में चल रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में इंडिया में इनको भी बैन कर दिया जाएगा। अभी तक किसी भी लिस्ट में स्नैक वीडियो ऐप नहीं चढ़ा। आने वाले फ्यूचर में कोई लिस्ट लॉन्च किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, तो उस लिस्ट में स्नैक वीडियो ऐप जरूर आ सकता है। तो आप इस ऐप को इंडिया में ट्रेंड ना करें, आप इस पर वीडियो अपलोड ना करें, आप इस पर काम कर रहे हो तो अभी के अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेहनत खराब हो सकती है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड ऐप एमएक्स टकाटक की। ये कौन से देश का ऐप है? एमएक्स टकाटक को एमएक्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने बनाकर लॉन्च किया है। एमएक्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के मालिक टाइम्स इंटरनेट कंपनी है, जो कि इंडिया की ही है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है एमएक्स टकाटक ऐप भी इंडिया का ही है। तो गाइज, आप लोग एमएक्स टकाटक ऐप को इंडिया में ट्रेंड में और भी ज्यादा लाइए। आप स्नैक वीडियो ऐप को छोड़िए, आप एमएक्स टकाटक पर आ जाइए। एमएक्स टकाटक ऐप टिकटॉक का अल्टरनेटिव ऐप है। इसके अंदर आपको टिकटॉक की ही तरह सेम फ्यूचर देखने को मिलेगा। गाइज, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है एमएक्स टकाटक। उसके बाद जैसे ही आप सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने एमएक्स टकाटक ऐप आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप यहां पर ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप एमएक्स टकाटक ऐप ओपन करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जो कि सेम टू सेम टिकटॉक के जैसा है। टिकटॉक के अंदर भी आपको ये सब ऑप्शन दिए जाते थे, सेम टू सेम यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको मी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मी पर क्लिक कर दो, यहां पर आपके सामने काफी ऑप्शन आ जाएंगे। यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फेसबुक, सेकेंड ऑप्शन आपको गूगल, थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है फोन नंबर। तो यहाँ पर आपको कैसे लॉगिन करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो, गूगल से, फेसबुक से। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा फेसबुक से। तो फाइनली यहाँ पर आपके भाई ने अपनी फेसबुक आईडी से एमएक्स टकाटक पर लॉगिन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी एंड आपका फेसबुक पर जो भी डीपी लगा हुआ होगा वो यहाँ पर आपको प्रोफाइल शो हो जाएगी। उसके बाद आपको एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप जो भी चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन नेम का दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन आपको एमएक्स टकाटक यूजर आईडी दी गई है, थर्ड ऑप्शन आपको जेंडर का दिया गया है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है आप मेल हो फीमेल हो, तो मैं तो मेल हूँ, यहाँ पर मेल सिलेक्ट करूँगा। जेंडर के बाद यहाँ पर आपको अपने बर्थडे डेट ऑफ बर्थ भर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आप यूपी से हो कहाँ से हो, आप यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप बायो में कुछ लिखना चाहते हो लिख लेना। तो गाइज, इस तरीके से आप टकाटक पर अपनी आईडी सेट कर सकते हो। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने अपने भाई को अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो जाओ जल्दी से इंस्टा पर फॉलो करो। वीडियो को एक लाइक एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।